पिछले ब्लॉग में देख रहे थे, अभी मनाली पहुंच गए थे, तो अभी टाइम हो चुका है 9 बज के और वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है बाहर घूमने के लिए। ये देख सकते हो ऊपर देखना कैसे हो रहा है। तो अभी ऊपर जाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और सुनो नहीं हुआ ये देखना, अगर सेकंड पार्ट नहीं देखा चले तो जाके सुनो देखो। चले। बहुत अच्छा लगा यार हमें, और रूम भी हमें बजट फ्री मिल गया था 600 रुपये का। ये देख सकते हो कैसा है और वेदर बहुत अच्छा। बस वेदर क्योंकि धूप चाहिए थी और धूप आपको बाइक पे। बाइक तो बोल रहा है भी एक क्लब में स्टार्ट नहीं होगी, दिक्कत होगी। और अपनी खुशी की कंडीशन देखो यार, क्या हाल हो रखा है। और बड़ी प्यारी लग रही है, दस भी नहीं मतलब। अब देखता हूँ क्लब में स्टार्ट होगी या नहीं, चेक भी हो जाएगी। और टायर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा यार, अपोलो ट्रम्पलर ST का। तो स्लब मारता हूँ, टाइम 9:30 हो चुका है। और लाइट करता हूँ पहले बंद इसकी, और स्लब मारूँ एक, देखते हैं उठाएगी या नहीं। लो भाई एक ही स्लब में होगी स्टार्ट। थोड़ी देर धूप में खड़ी करता हूँ ताकि थोड़ी खुल जाए। सो हाँ जी फाइनली निकलते हैं, आज की राइड करते हैं स्टार्ट। पूरा माल रोड, और माल रोड यार पहली बार देख रहा हूँ भाई इतना खाली है, नहीं तो कभी भी खाली नहीं मिलता था। उसमें पूरा यार सिस्टम ख़राब कर दिया मनाली का। और सामने स्नोफॉल दिखने लगी मुझे, यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया नज़ारा बिल्कुल प्यारा। क्या बात है यार। और सोनू भाई की बाइक में हो रही है थोड़ी दिक्कत, उसका बैरंग वैरंग कट गया शायद अंदर से आगे वाले टायर का। ओ अटल टनल दिखा रहा है 24 किलोमीटर, और ले रह गए यहाँ से 424। सॉरी, वीडियो को यार जितना उसके शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कमेंट दबा के कर देना जो भी होता हो आपसे। और ये देख रहे हो है, ये देखो यार क्या जन्नत है। मैं इधर बाढ़ आई थी तब बुरा हाल हो रखा बिल्कुल यार। इतना स्टार्ट होगी धीरे धीरे, यहाँ से साइडों में गिरी हुई है। और ऊपर देखो यार, तो आगे देखते हैं जैसे भी होगी। बस आगे हमें ज़्यादा चाहिए यार, ज़्यादा। और माउंटेन देखो कैसे दिख रहा है बेटा प्यारा। और सोनू भाई यार अभी तक दिखा नहीं कहाँ रह गए कहाँ नहीं यार। ये मोड़ बड़े डेंजर डेंजर है, इधर देखना। ये देखो बर्फ़ होगी स्टार्ट ये रही साइड में, ये देखना पूरी बर्फ़। अभी 3-4 तारीख को स्नो हुई थी तो उस टाइम की बर्फ़ है ये मुझे लग रही है। तो फिलहाल तो बहुत कम होगी, बस ऊपर ही मिलेगी। पूरा वाइट दिख रहा होगा आपको गोप्रो में, पता नहीं पूरा अच्छा से दिख रहा है नहीं। सोनू भाई मिल गए आखिर। और नहीं मैं आ ही रहा था राम राम से। पूरी तबाही मची पड़ी है इधर, मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार। कितना अच्छा मनाली था, मैं कितना सुंदर था दिखने में, सारा तहस नहस कर दिया एक ही बार में बारिश ने। वाइट वाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देखो पूरा वाइट वाइट है। हाँ हाँ पूरा बर्फ बर्फ हो क्या जन्नत है यार। मैंने आगे जाओ और रील बना देना एक, और बर्फ ही बर्फ दिख रही है उस्ताद जी, देखो बर्फ ही बर्फ है। अरे सोनू तो एरा यार, पूरा लाइन से गाड़ियाँ जा रही हैं और सोनू दिख नहीं रहा फिलहाल, कहाँ गया भाई। उधर से गाड़ियाँ आ तो रही नहीं है, जा ही रही हैं। सोनू हाँ दिख गया भाई दिख गया। ओए होए अपनी खुशी पहली बार आई है इतनी स्नो में, सॉरी सेकंड बार आई है क्योंकि पहली बार आए थे मनाली, फर्स्ट ट्रिप मनाली की मारी थी इससे लॉन्ग। और उसके बाद गया था मैं लद्दाख, सीधा ले लद्दाख सीधा पहुँचा दी खारदुंगला टॉप पे बर्फ में वहीं। मतलब उस टाइम बर्फ़ तो वहाँ भी थी पर इतनी नहीं थी जितनी अभी यहाँ पर है, थी वहाँ पर भी पर यहाँ पर ज़्यादा हो रखी है। ये देखना है फिर जन्नत। तुम पूछते हो ना क्या करने जाते हो इतनी दूर बाइक लेके भाई, अरे ये करने जाते हैं हम इतनी दूर बाइक। ये आता है नज़ारा देखो, बस यार ब्लैक आइस ना मिल जाए, अगर ब्लैक आइस मिल गई ना तो पता भी नहीं लगेगा, एकदम बाइक स्लिप हो जाएगी और दिक्कत हो सकती हमें। ये देखना बर्फ यार है नज़ारा, फिर सोलांग वैली रह गया बिल्कुल पास में। अबे भाई रुक जा, पास में ही रह गया। और रील वगैरह बहुत अच्छी अच्छी बनेंगी। चलो चलो चलो, ओ भाई ऑटो भी, ये देखो क्या बात है भाई, ऑटो आ सकता है तो स्प्लेंडर नहीं आ सकती सोनू की। ये लो यार ये देखो, ऊपर जाना है भी, ऊपर भी पूरा वाइट हो रखा है, पूरा नज़ारा ही नज़ारा। बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा इधर क्योंकि सोलांग से आगे शायद जाने नहीं दे रहे, सुनाई दे रहा, सुनाई सुनने में यही आया सुनाई नहीं दे रहा। लो भाई प्लेटिन आई है,
पटियाला नंबर, ये देखना है फिर बर्फ ही बर्फ। किसी को चाहिए हो तो ले लेना इधर से बर्फ। गाड़ी ऐसी लगा के चलना पड़ता इधर साइड में, क्योंकि ऊपर तो यार बहुत। थैंक यू भैया। अरे इधर से चढ़ा दे लोड स्प्लेंडर, ओए इधर से चढ़ा दे। स्लिप होएगी, रस्सी बांध लेनी थी अभी, बांध ले। अच्छा ये हार्ड बर्फ है इसलिए जा रही, हार्ड है इसलिए होएगी इस पर। हाँ हार्ड है, जमी पड़ी है इसलिए बाइक चढ़ नहीं रही, इसके ऊपर स्लिप हो रहा है टायर। अगर वैसी होती ना फ्रेश सुनो तो चढ़ जाती। ये देखना और, अरे इसे आगे निकाल, साइड से आगे निकाल, इसे आगे निकाल, गाड़ी आ रही है इधर से, रुक जा रुक जा। देखना कैसे भाई यार, देखियो आगे करा के, बस मैं बोलूँगा तब बैग लिवा के रख। चल चल देख आगे, देखा है कुछ, निकाल निकाल, ऐसे थोड़ी यार जाम में फंसे रहेंगे हम की तरह। हार्ड होगी ना बर्फ तो जम गई पूरी, इसलिए हाँ हार्ड हो रखी है ना इसलिए चढ़ नहीं रही इसके ऊपर। अगर स्नो फ्रेश होती ना तो मज़ा आता है यार, कसम से यार जाम लगा पड़ा है। निकाल निकाल, ऐसे निकलना पड़ता भाई, ऐसे नहीं निकलने दिया जाएगा हमें, नहीं तो निकलो निकलो। तो सोलांग, सोलांग वैली पहुंच गए, अब इससे आगे अटल टनल। अब ये नहीं पता भाई गाड़ी आगे जाने दी जाएगी या नहीं, बस मौसम अगर ठीक रहा तो यार क्या पता हमें आगे जाने दे। अगर आगे जाने दिया तो यार मज़ा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूँ। ये तो कुछ भी बर्फ़ नहीं है, आगे और भी डेंजर डेंजर मिलेगी, सिस्टम हैंग हो जाएगा आगे जाके। तो फिर तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, जाने दिया तो ठीक है जाएंगे, अगर आगे तो बस फिलहाल बंद ही लग रहा है मुझे सिस्टम, तो देखते हैं। चल आगे नहीं जा सकते सर, मना कर रहे हैं। सो भाई आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं, और यहाँ से अटल टनल रहेगी 11 किलोमीटर। और भाई यार गाड़ी देखो यार पूरी वह जो बर्फ में। तो हाँ जी बाइक हमारी आगे जानी नहीं थी तो हमने बाइक पार्क कर दी इधर, दोनों की दोनों खुशी और अपनी दोनों। और इधर का व्यू देख सकते हो यार बड़ा प्यारा लग रहा है, अगर आगे जाने दिया होता तो यार और भी डेंजर डेंजर व्यू आते आपको। तो अब यहीं पर थोड़ा अपना चाय मैगी खाए के बिना तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से, ये देख सकते हो व्यू क्या नज़ारा है। तो फिर तो हाँ जी बाकी मैगी खाते हैं इधर और चाय पीते, और इधर बैठ के मैगी चाय आंटी मैगी रेडी कर रही है, और भाई बैठे इधर के बीच में मैगी और चाय का कुछ मज़ा ही लगा व्यू यार। चेकआउट चेकआउट। तो हाँ जी मैगी होगी रेडी और चाय रहेगी। सुनो भाई आजा, मैगी ना खाई तो आना बेकार, और बीच में अपने बर्फ का गोला रखा है और चाय आंटी रेडी कर रही है। तो हाँ जी फाइनली मैगी होगी और खा ली है, और सुनो भाई ये बैठे, और ऊपर देखो यार बर्फ कहाँ पर है, ये पिलर सा बना हुआ है ना इसके ऊपर बर्फ ये दिख रही है। और अभी जाएंगे चाय पी के वहाँ पर इधर, और बंदे उधर तक जा रहे ऊपर तक, ये देखो वहाँ पर ऊपर तक ऐसे जा रहे हैं इधर तक। अब ऊपर देखते हैं जैसे जाएंगे, पहले चाय पीते फिर निकलते हैं। सो हाँ जी अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं। और देखो यार कितनी पैर ना फिसल जाए सोनू, क्योंकि हमने जूते भी नहीं लिए दूसरे वाले स्नो वाले। ये देखो यार कितनी ज़्यादा बर्फ हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है पैर ना फिसल जाए। ये देखो यार ऊपर जाएंगे ऊपर की साइड, उधर जितना ऊपर जाया जाएगा वहां तक जाएंगे। वाओ क्या मस्त लग रहा है यार, एक नंबर का यार। और धूप बहुत ज़्यादा देर हो रही है, पैर ने पूरे अंदर दस रहे, पूरे जूते गीले जुराब गीली, और पीछे वहाँ से आ रहे हैं ऊपर से।
सो हाँ जी देखो यार कंडीशन देखना, मेरे पूरे जूते गीले हो गए और पैर धस रहे हैं, इनको देखो और ऊपर जा रहे हैं उधर से, देखो वाली स्नो वाली बाइक, और जितना ऊपर जाया जाएगा उतना ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और जूते हो रहे पूरे गीले, देखो यार पूरा जितना दिखाऊँ उतना कम है। कल जो 12 से 14 से 15-16 घंटे गाड़ी चलाई थी ना, जो थकान हो रही थी यार शरीर में, कसम से वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी हमारी देख के ना ये, और थकान दूर देख के जो खुशी मिल रही थी ना, इसका मेरा सपना था यार, मैं सोच रहा था विंटर राइड मारूँ बिल्कुल वाइट होने चाहिए और बर्फ ही बर्फ, पूरा खुशी को साथ लेके अपनी। भाई हालत खराब होगी। ये क्या सोनू, ये देख कहाँ चला गया, क्या है ये पत्थर? मर्द 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 को दर्द। ओ भाई मजे मत, पार्टी की, पार्टी की पूरी क्रैश, पर बिल्कुल आराम से उतारी थी फिर भी गिर गई। ये देखो बस चोट नहीं लगी, बस ये बात है, देखा कि इधर भी फिसल रहा है साला, इसको घुमा है पहले ऐसे, एक मिनट स्टैंड लगा साइड वाला, लगा लगा जल्दी, हाँ हाँ साइड में लगाऊंगा, हाँ हाँ पैर भी फिसल रहे हैं। तो प्रेस कर रहा है, फायदा होता है यार, मजे टेढ़ा हो गया साइड हल्के गिर गया, और ये गया फिर मतलब टेढ़ा हो गया ना हल्का फुल्का, देखो प्रेस गाड़ी में लग गया टंकी में तोड़ तो ओके है, हाँ वो देखो हो गया, ये टेढ़ा हो गया हल्का, हाँ ब्रेक मारी ना कार नीचे से पड़ गया, मेरे को पता लग गया था ना फिसलेगी ये, चल आराम से उड़ा ले, हाँ हाँ चलो यार देखो यार क्या दिक्कत, ये दिक्कत होती ब्लैक आइस में।